श्रद्धेय आचार्य अरिहंताणां ओम नमो घबराओ ना दुख से जीवन सुख दुख का मेल घबराओ ना दुख से जीवन सुख दुख का मेल शरणाले लो हंतो का शरणाले लो हरिहंतो क्यों करता व्यर्थ जमेरा है ये प्रभु से मारण की अरिहंत परमात्मा महाविदेह क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी तिन्नानंग तारी अनंग बुद्धानंग भोई अनंग स्वयं तिर चुके हैं औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं औरों को बोधि दे रहे हैं, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबकी मंगल की कामना करते हुए इस संसार सागर से पार उतारने के लिए सदैव सदैव सत्य का उद्बोधन देते हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन धर्म संघ धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं उस प्रभु की साधना ज्ञान क्षमा मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रभु पंचम काल में विराजमान नहीं है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, अशरीरी सिद्ध हो गए हैं, परंतु उनकी वाणी उनका ज्ञान उनके सूत्र उनकी क्षमा उनकी मैत्री उनकी साधना आज भी हमारे सामने है। उस अंतिम वाणी उत्तराध्यान सूत्र के रूप में आप शुभ मुनि के द्वारा सुन रहे हैं। उत्तराध्यान सूत्र में समकत परम की चर्चा हम कर रहे हैं। उत्तराध्यान सूत्र जो भगवान महावीर की वाणी का अंतिम सूत्र है, बहुत गहरा सूत्र है, हर प्रकार का उसमें उपदेश समाया हुआ है, हर के लिए उपयोगी सूत्र है वो, तो उसकी चर्चा आप सुन रहे हैं। बहुत श्रद्धा भाव से सुने और उसको जीवन में अंगीकार करें। समकत पराक्रम के अंदर आज चर्चा है, कल हम चर्चा की थी किशाय पचकन, किशाय क्रोध मान माया लोभ, और ये संसार सागर में संसार से मूलम कम्मंग तस भी हमती कसाया, संसार का मूल है कर्म और कर्म की उत्पत्ति है किशाय क्रोध मान माया लोभ। तो कर्म से हमें अकर्म की दशा आना है तो क्या करना होगा, अपने भीतर जो विभाव दशा है, एक स्वभाव एक विभाव, जैसे व्यक्ति आत्मा विभाव में जाती है तो कर्मों का बंधन होता है, अपने स्वभाव में आ जाता है तो कर्मों की नजरा शुरू हो जाती है। जैसे जल का स्वभाव शीतल है परंतु अग्नि का स्पर्श पाते ही जल उष्ण हो जाता है, गर्म हो जाता है, अग्नि की भांति हो जाता है, और उष्णता अग्नि का स्पर्श निकाल दिया जाए तो जल फिर शीतल हो जाता है। ऐसे ही
आत्मा शुद्ध है, निर्मल है, अष्ट गुणों से युक्त है, परंतु अनादि काल का मिथ्यात् और मोह के कारण आत्मा जब विभाव दशा में जाती है तो कर्मों के बंधन से 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटक रही है। तो क्या आपने कभी सोचा, अनंत जन्म कर लिए, अनंत शरीर मिल गए, ऐसा कोई शरीर हो है ही नहीं जो हमने ग्रहण ना किया हो, अनंत बार माता पिता बन गए, अनंत पुत्रों को जन्म दे दिया, फिर भी संसार का चक्कर काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं, कारण क्या है, बोलो क्या कारण है? अज्ञान, अज्ञान कब मिटेगा? क्यों सुभाष भाई, अनादिकाल से हम भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां हमने जन्म और मरण ना किया हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे हमारा संबंध ना बना हो, फिर भी हम क्यों चक्कर काट रहे हैं और उसमें उलझ रहे हैं? मोह मिथ्यात्व, ये मोह और मिथ्यात्व कैसे टूटेगा? स्वभाव में रहने से टूटेगा। स्वभाव में कब तक रह पाओगे? गौतम बोलो, तुमने बहुत स्वाध्याय किया है, अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं हम लोग, क्या कभी विचार नहीं आया ये संसार का अंत करके हम सिद्धालय चले जाएं? उसके लिए क्या प्रयास किया? कुछ प्रयास तो किया होगा, क्या प्रयास करना बाकी है? हैं जी, अंगार बन गए तो मोक्ष चले जाओगे? स्टेप बाई किस, कौन से कितने कितने स्टेप लोगे? हम अंगार भी बहुत बार बन चुके हम, ऐसा नहीं कि आपने हमने साधुपना नहीं पाला, बहुत बड़ा साधुपना पाला होगा, उच्च क्रिया भी की होगी, फिर भी भ्रमण कर रहे हैं, कर्म के चक्कर में आ रहे हैं। राग द्वेष के कारण तो है मूल, तो राग द्वेष मिटता क्यों नहीं? राग द्वेष इतना भारी हो गया और आत्मा में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, फिर राग द्वेष क्यों पीछे लगाया हमारे? रास्ता तो भगवान बताएंगे, हम कौन होते हैं बताने वाले? अनादिकाल से जीव का एक ही मूल कारण है कि जीव के पास अनंत गुण की संपदा है, अनंत में मुख्य अष्ट गुण की संपदा है, पर जीव अपने को भूल गया और अपनी शक्ति किसको दे दी? पुद्गल को दे दी। पुद्गल का मतलब ये शरीर, शरीर का मतलब ये मन, बुद्धि और इंद्रियां। मन घुमाता है हमें, जो मन कहता है वो करते हैं, बुद्धि जो निर्णय लेती है हम चले जाते हैं, और 5 इंद्रियों के 23 विषय 240 विकार हमको मार रहे हैं। जीव अपनी शक्ति अपने पास ले ले तो मन क्या कर सकता? आपकी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री, आप फैक्ट्री में जाओ ही ना, देखो ही ना, तो फैक्ट्री का जो मुनीम है या डायरेक्टर है वो मालिक बन गया। जैसे ही तुम फैक्ट्री में चले जाते हो सारे मुनीम नीचे उतर जाते हैं। जीव अपने को जान, केवल अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपने पर श्रद्धा रखना और अपने को समय देना। हम कितना समय देते हैं 24 घंटे में देखो, 24 घंटे के संसार में जब से जन्म लिया, इस जन्म का ही देखो,
अनंत जन्म मैंने किया, आपने किया, और ऐसी गति 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में, ऐसी गति नहीं जहाँ जन्म और मरण एक बार नहीं, हजार बार नहीं, लाख बार नहीं, अनंत बार हो गया, फिर भी 84 के चक्कर में घूम रहे हैं। क्यों जागृति नहीं आई? क्यों जागृति नहीं आई सुभाष भाई? कारण क्या है? अज्ञान, ठीक है, आप कहते हैं ठीक अज्ञान, पर अज्ञान टूटेगा कैसे? देखो एक ही सहारा है हमारे पास, पंचम काल में महावीर नहीं है, कोई केवल ज्ञानी नहीं है, कोई अवधि ज्ञानी भी नहीं होगा, कोई होगा तो कह नहीं सकते, परंतु हमारे एक आधार है अरिहंत परमात्मा, सिमंदर स्वामी भगवान की वाणी, जो आप शिवरों के माध्यम से वीतराक्षादि का निशा जी के मुखारविंद से वाणी सुनती, उस वाणी का एक शब्द भी हमारे जीवन में, उसको हम गहराई से पकड़ लें तो हम आगे बढ़ सकते, एक कोई शब्द पकड़ लें। मैं जीवात्मा हूँ, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ भी नहीं, और पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला, बस इतना ही मान ले, मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा। ये बुद्धि के स्तर पर तो मैंने मान लिया, आपने भी मान लिया, लिख दिया, पढ़ लिया, मैंने बोल दिया, इसको क्या करना है? धर्म क्या है? 8 मास मज्जानुरत्ते, जो धर्म हमारी अस्थि में, मज्जा में, रक्त में अंदर चले जाना चाहिए, अंदर चले जाना, उसके सिवाय कोई दिखाई ना देना चाहिए। भगवान उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई परीक्षार्थी जब परीक्षा में जाता है तो परीक्षा उसको एक क्वेश्चन पेपर के सिवाय कोई दिखाई नहीं देता, सारा फोकस उसका वही रहता है। एक व्यापारी जब धन कमाता है तो धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि भोजन भी पड़ा है भूल जाता है। क्यों रमेश भाई भूल जाते हो ना? सब भूल जाते हैं, एक ही बात नहीं, सब भूल जाते हैं। और एक वैद्य जब हॉस्पिटल में रोगी को देखता है, पेशेंट को देखता है, गंभीर पेशेंट होता है, जो करना उसके लिए करता, बाकी सब छोड़ देता है। ऐसे कुशल गृहिणी जब भोजन बनाती है तो सारा ध्यान उसका क्या होता है? भोजन की तरफ होता है कि मेरे द्वारा जो भोजन बना, क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि भोजन बना करके भोजन परोसूं, भोजन खिलाऊं, और सब भोजन खाएं, मुझे मिले ना मिले सब भोजन खा जाए। एक विद्यार्थी, एक व्यापारी, एक गृहिणी, एक वैद्य, जैसे उसमें उनको फोकस हो जाता है, इंटेंशन हो जाता है, एकाग्रता हो जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड हो जाता है, ऐसे यदि हमारी चित्त की अवस्था एकाग्र हो जाए कि मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरा अलावा मेरा कुछ भी नहीं, बोलो है क्या हमारा? ये शरीर हमारा है, अनंत बार शरीर मिला, शरीर का एक भी अंग हमारा है, आँख, नाक, कान, जिब्बा, क्या हमारे बस में है? भगवान कहते एक पुद्गल का एक अनुभव भी हमारा अधिकार नहीं, जिसको हमने अपना बना रखा है, मेरा शरीर, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा मेरा करते 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 हमने कितने को अपना माना, और अपना है कुछ भी नहीं। ऐसे ही एक पुद्गल पर अधिकार नहीं, और जीव पर भी हमारा क्या अधिकार है? मैं जीव, दूसरे भी जीव,
मेरा एक जीव से क्या अधिकार है, मेरा कोई अधिकार है किसी जीव का किसी के साथ? फिर अपना क्यों समझ रहे हैं, वो मेरा वो मेरा वो मेरा वो मेरा। जितने भी तीर्थंकर हुए, अरिहंत बने, सिद्ध बने, उन्होंने एकत्व की साधना की, अकेले मौन। चाहे वो चक्रवर्ती थे, भगवान ऋषभदेव जब साधु बने, 4000 राजकुमार उनके साथ में थे, और भगवान को कभी विधि नहीं मिली भोजन की। धीरे धीरे सब विदा हो गए, और भगवान को 13 महीने के बाद संयोग से इक्षु का रस मिलता है। ये भी भगवान का अंतराय कर्म था। 3-4 बातें हमारे मन में अच्छी तरह बैठ जाए कि जो कुछ भी है, हर का अपना कर्म सिद्धांत, हमारा जीव कारमन शरीर लेके आया, चाहे हम मनुष्य बने, स्त्री बने, पुरुष बने, पशु में गए, देव योनि में गए, कहाँ भी गए, जहाँ भी गए, तो जीव किसको लेके आया? कारमन शरीर, कारमन शरीर लेके आया जीव। और जैसा कर्म पहले किया था, वो कर्म उसके साथ चलते हैं, और आगे भी कारमन शरीर चलता रहेगा। और इस जन्म में जो जो भी हम कर रहे हैं, हमारा अपना किया हुआ कर्म का भुगतान देना ही पड़ता है, कुछ छुटकारा हो नहीं सकता। चाहे तीर्थंकर, चाहे चक्रवर्ती, राजा हरिश्चंद्र को बर जाना पड़ा, राम को वनवास जाना पड़ा, कृष्ण की द्वारका नगरी कहते जो देवताओं के द्वारा बनाई थी, वो भी भस्म हो गई। आखिर माता पिता को बाहर जाने लगे, और जैसे कृष्ण बलदेव माता पिता को ले जा रहे हैं, द्वार टूटा, माता पिता अंदर और वो बाहर चले गए। और कृष्ण और बलदेव दोनों जंगल में जाते हैं, और कृष्ण को प्यास लगती है, बलदेव पानी लेने के लिए जाते हैं, और कृष्ण विश्राम करते हुए एक पाम के ऊपर पाँव रखा हुआ प्यास से हैं। उधर से जरासंध, जो उनको पता था कि जरासंध के बाँध से कृष्ण की मौत हो गई, वो छिप रहा है जंगलों में जा करके कि कहीं मेरे द्वारा ऐसा हो ना जाए। परंतु पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं का शिकार का बड़ा व्यसन होता है, दूर से देखा कृष्ण की जो पाम था उसमें मणि थी, वो चमक रही थी जैसे कोई हिरण की आँख होती है, और जैसे दूर से देखा कि हिरण तीर मारा और कृष्ण छटपटाए और पास में आए, मैंने ये क्या कर दिया, जिसके लिए मैं छिप रहा था वो होनी सामने आ गई मेरी। कृष्ण ने कहा तुम भाग जाओ। यदि बलराम को पता चल गया तो क्या होगा तेरा? कहने का अर्थ कि कैसे कैसे चक्रवर्ती, वसुदेव, बलदेव, राजा महाराजा कर्म के अधीन कैसे कैसे गतियों में जाना पड़ता है, और हम भी कर्म के अधीन ही इस संसार में चक्कर काट रहे हैं। और एक ही आधार है, प्रभु की वाणी, जो अरिहंत परमात्मा की वाणी है कि अजीव तो अपने को जान ले, तुझे किसी को जानने की जरूरत नहीं, पढ़ने की, लिखने की, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल अपने को जानो और अपने को देखो और अपने में समाहित हो जाओ और अपने पर श्रद्धा रखो, और तेरे पास कुछ चाहिए नहीं। जड़ और जीव का भेद, जितना भेद गहरा होगा उतना आपकी साधना बढ़ेगी, और उतना कितना भयंकर से भयंकर कष्ट भी आ जाए, जड़ और जीव का भेद किया, आप उस भेद से मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। तो आत्मा की अनंत शक्ति का एहसास करना,
ये नहीं कि भगवान ने कह दिया और मैंने सुन लिया और ध्यान कर लिया। अच्छा है ध्यान करना, 2 घंटे 4 घंटे जितना कर सको। भगवान कहते हैं इतना काफ़ी नहीं, ये आपके जीवन का अंग संग बन जाए। अंग संग बनने का मतलब क्या? उठो बैठो चलो सो खाओ पियो कुछ भी करो। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा पत्र में उसके लिए क्वेश्चन पेपर ही मुख्य होता है, जैसे व्यापारी के लिए धन मुख्य होता है, जैसे वैद्य के लिए रोगी मुख्य होता है कि कैसे बच जाए, किस तरीके से बच जाए, ऐसे ही यदि हमारी एक लगन एक पुरुषार्थ एक पराक्रम कि इस देह में आकार में निराकार आत्मा है। देखो अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, आपने कितनी बार सुना गौतम भाई आत्मा के कितने गुण हैं? कौन कौन से हैं? आपकी आत्मा है कि नहीं? गौतम के भीतर आत्मा है, कितने गुण हैं? 8 गुण। कौन कौन से? क्या क्या? ये तो कर्म है क्या? ना वर्णीय दर्शन। देखो 8 गुण, अनंत ज्ञान तुम्हारे भीतर मेरे भीतर है, अनंत ज्ञान। ये क्यों छिपा पड़ा है? मोह के कारण और मिथ्यात्व के कारण। अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन मेरे भीतर और आपके भीतर सब आत्माओं में है, परंतु वो प्रकट नहीं हो रहा हमारा मोह और मिथ्यात्व के कारण। यही अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा, यही अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख, सुख बाहर है ही नहीं। प्रभु कहते हैं हम सुख किसको मान लेते हैं? भूख लगी अच्छा भोजन कर लिया हम सुखी हो गए, बाहर घूमने चले गए किसी मित्र बन गए बाहर घूम आए, ये सुख नहीं है। ये शरीर की साता असाता है, एक है सुख एक है साता। शरीर की साता है आत्मा का सुख है, सुख आत्मा में है, इसके सिवाय सुख है ही कहीं नहीं। महावीर के जीवन को देखो, 12.5 वर्ष की भयंकर साधना में क्या महावीर दुखी रहे? क्या गस्सुकमाल दुखी हो गए? क्या भगवान पार्श्वनाथ को कितने कष्ट आए? कमठ कष्ट देता ही रहा, भगवान क्षमा करते रहे। सभी तीर्थंकर भगवंतों को देखो, शांतिनाथ भगवान ने एक कबूतर की रक्षा के लिए बाज के लिए अपना काट करके दे दिया शरीर का मांस, कैसे कर दिया उन्होंने? 2 तत्व जुदा जुदा है, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग करते 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 वो आत्मा में स्थित हो गए। जैसे जैसे जीव आत्मा में स्थित हो जाता है तो दुख आता है, उपसर्ग आते हैं, कर्म आते हैं। कर्म कहाँ निकलेंगे? हमारा जो कारमन शरीर है आत्मा पर, जो कारमन आत्मा पर उदारक शरीर, शरीर उदारक है, इस पर निकलेंगे। इस पर निकल करके उस समय जब आप ध्यान में बैठो चाहे आप कुछ भी करो, वो शरीर उदारक शरीर पर आएंगे और आपको समता से सहन कर लो, वो कर्म निकल जाएगा और आप उस कर्म से बच जाओगे। ऐसे ही ये 12 प्रकार का तप, अनशन से लेकर ध्यान और कौशक का, ये सारे कर्म निद्रा के कारण है। किस तरह से हमें उस कर्म नजरा को आगे रख करके आना चाहिए? तो ये कह बार अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख, सुख आत्मा में, और सुख है ही नहीं कहीं। भगवान कहते तुम चाहो कितना धन पालो, पद पालो, प्रतिष्ठा पालो, चक्रवर्ती भी बन जाओ। चक्रवर्ती भी तीर्थंकर के चरणों में झुकता है। चक्रवर्ती यदि धर्म करता है, यदि अपनी आत्मा की साधना में रहता है तो मोक्ष चला जाता है, और यदि चक्रवर्ती भोग भोगता है शरीर की साता के लिए जाता है तो सातवें नरक में जाता है।
12 चक्रवर्ती में दो चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और दूसरा संभूम चक्रवर्ती, दोनों सातवीं नरक में गए और 10 मोक्ष में गए, क्योंकि वो आत्मा की साधना। तो मुख्य अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति, आत्मा में ऐसी शक्ति है कि यही आत्मा एक समय में जब मोह कर्म केवल ज्ञान होने के बाद आयुष कर्म टूट गया तो 26 देवलोक पार करके 45 लाख योजन की सिद्ध शिला में अशरीरी अवस्था में चली जाएगी। ये जो शक्ति किस में है, ये आत्मा मेरे भीतर और आपके भीतर प्रकट क्यों नहीं हो रही, कर्म के कारण। जो 8 कर्म लगे आयुष कर्म है बंद है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, आगे है अमूर्तपना। अपूर्तपन का मतलब आत्मा का आकार नहीं है, आत्मा दिखाई नहीं देती इस इन आँखों से, इंद्रियों से। नो इंद्रिय विज्ञा अमूर्त भावा, इंद्रियों से आत्मा ग्रह नहीं है क्योंकि अमूर्त है, आत्मा का आकार नहीं। देखे जब अंतिम समय आप घर में हो या आप कोई भी व्यक्ति जब जीव निकल के जाता है, दिखाई देता है किसी को? किसी को दिखाई नहीं देता। कब निकल के चला जाता है, देवलोक में चला जाए या किसी और योनि में चाहे, पता ही नहीं लगता। वो निराकार आत्मा, अमूर्त निराकार। आगे आत्मा ए गुरु लघु, आत्मा ना हल्की है ना भारी है, ये शरीर का वजन है, आत्मा का वजन भी नहीं है। और आत्मा ने अभी तक एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद भी नहीं की आत्मा ने। आत्मा को कुछ है ही नहीं, आत्मा अजन्मा है, आत्मा की माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, आत्मा आत्मा है। ए गुरु लघु अमूर्तपना क्षायक समकत, ये आत्मा का निज गुण है क्षायक समकत, जिसको आप पा सकते हैं। और आत्मा अटल बगाना, यही आत्मा सिद्धालय में जाए। 8 गुण मेरे में है, आप में है, सब में है। इसको जितना आप याद रखोगे, चिंतन मनन करोगे, बार बार चिंतन करोगे, बार बार अपनी आत्मा के गुणों का चिंतन करते रहोगे, चिंतन करते रहोगे। तुम्हारे घर में हीरे पड़े हैं, आपको पता नहीं कहाँ पड़े हैं, तो कैसे ढूंढोगे, कैसे पाओगे? इसके लिए केवल 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 अपने अस्तित्व का बोध प्राप्त कर लो। भगवान कहते हैं होश अस्तित्व का बोध, कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा था, मैं आत्मा ही रहूँगा, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं। आज का विषय यहीं पूर्ण करेंगे, कल फिर चर्चा करेंगे। थोड़ी देर के लिए ध्यान, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा, आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा,
मैं जीवात्मा, आप जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, शुद्ध आत्मा। मैं आत्मा, सब में समान आत्मा। सब में मंगल की भावना करें। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को। सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन कर। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सत्सावनंग, धम्मो मंगल मुकिठम आहिंसा संयमो तब देवावित्तंग नमंग संति जस धम्मे श्यामंग। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुःखहरण जगत मे ओरण शरण कोई भोगा जो भव्य प्राणी करे अजर